चांद बीबी। 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दो महान साम्राज्यों का बोलबाला रहा। इनमें से एक था विजयनगर का हिंदू साम्राज्य और दूसरा तुर्कों का बहमनी साम्राज्य। सन 1526 में बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़े हो गए। इनमें परस्पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, किंतु विजयनगर का समृद्ध राज्य इनकी आंखों में सदा खटकता रहता था। फलस्वरूप सन 1565 में तालीकट के निर्णायक युद्ध में पांचों राज्यों ने मिलकर विजयनगर के महान साम्राज्य का अंत कर दिया। बहमनी साम्राज्य के जो 5 टुकड़े हुए थे, उनमें एक था निजामशाही राज्य। निजामशाही राज्य की राजधानी थी अहमदनगर। इसी प्रकार आदिलशाही राज्य की राजधानी थी बीजापुर। राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है न स्थायी शत्रु, अतः इन दोनों राज्यों में मित्रता शत्रुता की आंख मिचौली चलती रहती थी। अहमदनगर राज्य के तृतीय सुल्तान थे हुसैन निजाम शाह प्रथम। चांद बीबी उन्हीं की बेटी थी। चांद बीबी का जन्म सन 1550 में हुआ था। तब उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें जम चुकी थीं। चांद बीबी मुगल सम्राट अकबर की समकालीन थीं। चांद बीबी की माता का नाम हुमायूं बेगम था। माता हुमायूं बेगम तुर्की रक्त की थीं। उधर पिता निजाम शाह जाने माने योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ थे। अतः चांद बीबी को माता से मिला उत्तम स्वास्थ्य और सौंदर्य तो पिता से मिला राजनीति कौशल, जिसकी उन दिनों बहुत आवश्यकता थी। रूप और बुद्धि का यह योग सोने पर सुहागा था। निजाम शाह ने अपनी बेटी के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा में कोई कसर बाकी न रखी। फारसी अरबी के साथ साथ उसे मराठी भाषा की भी शिक्षा दी गई। चित्रकारी और संगीत में चांद बीबी की स्वाभाविक रुचि थी। इसके अतिरिक्त उसे घुड़सवारी और तलवार आदि अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी गई। इस प्रकार पिता निजाम शाह ने अपनी सुंदर बुद्धिमती और बहादुर बेटी को इस योग्य बना दिया कि वह राजकाज में अपने पति का हाथ बटा सके। यह योग्यता आगे चलकर चांद बीबी के बहुत काम आई। तब राजनीति की दृष्टि से भारत अनेकों टुकड़ों में बटा हुआ था। बड़ी मछलियों को छोटी मछलियों को निगलने में कोई हिचक नहीं होती थी। छोटी मछलियां भी बड़ी मछलियों का रक्त पीने के ताक में रहती थीं। छोटा हो या बड़ा, सब एक दूसरे को हड़पने की कोशिश में लगे रहते थे, पर बोलबाला ताकत का ही था। निर्बल का कहीं कोई ठिकाना न था। बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़े भी इसके अपवाद न थे। 5 इस्लाम के अनुयायी थे। उनमें रोटी बेटी का नाता भी था। भाषा और रहन सहन की दृष्टि से भी वे एक दूसरे के अस्तित्व को सहन नहीं कर पाते थे। हां, समान शत्रु के लिए वे एक थे और उनका समान शत्रु उस समय एक ही था, महान विजयनगर साम्राज्य का अधिपति प्रतापी राजा राम राय। राम राय के विरुद्ध उनकी एकता जरूर काम आई, परंतु विजयनगर के अंत के बाद वे फिर एक दूसरे को आंखें दिखाने लगे। इसी बीच सन 1563 में हुसैन निजाम शाह ने अपनी बेटी चांद का निकाह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह प्रथम से कर दिया। यह विशुद्ध राजनैतिक संबंध था। यह समान का समान से संबंध था। यह सौंदर्य और वीरता का संबंध था। इससे इन दो राज्यों के संबंध भी मजबूत हो गए। आदिल शाह की बहन का विवाह चांद बीबी के भाई मुर्तजा निजाम शाह से हो गया। इन व्यक्तिगत मजबूत संबंधों के बावजूद राजनैतिक हितों पर चोट होते ही दोनों राज्यों में खटपट होती रहती थी। परंतु जब कभी ऐसा अवसर उपस्थित हुआ, चांद बीबी ने अपने दाम्पत्य जीवन पर आंच न आने दी। उसने सुख दुख में सदा अपने पति का साथ दिया। चांद बीबी में राजनीति की गहरी समझ थी।
चांद बीबी को एक व्यक्तिगत दुख था कि उसके कोई संतान नहीं हुई। बीजापुर की प्रजा को ही वह अपनी संतान समझती थी। उधर आदिल शाह भी दीन दुखियों को मुक्त हस्त से दान देते थे। उनके कट्टर से कट्टर शत्रु भी उनकी दान वीरता के प्रशंसक थे। बीजापुर की प्रजा दोनों का गुणगान करते थकती न थी। संतान की कमी पूरी करने के लिए सन 1579 में आदिल शाह ने अपने भतीजे इब्राहिम को गोद लेकर उसे युवराज घोषित कर दिया। तब इब्राहिम की आयु 8 वर्ष की ही थी। चांद बीबी और आदिल शाह ने संतान की कमी को पूरा कर संतोष की सांस ली ही थी कि एक गुलाम ने आदिल शाह की हत्या कर दी। आदिल शाह की आकस्मिक मृत्यु से चांद बीबी को बड़ा धक्का लगा। उसके जीवन में पहला बसंत आया ही था कि प्रचंड ग्रीष्म ने अचानक आकर उसकी सारी शोभा नष्ट कर दी। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब उसके सामने थी पूरी जिंदगी, एक अबोध बालक और उसका प्यारा बीजापुर, जिस पर राज्य के भूखे भेड़ियों की खूनी नजरें जम गई थीं। परंतु चांद बीबी ने हौसले से काम लिया। उसने बीजापुर का शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया। एक औरत के हाथ में शासन सूत्र, पुरुष प्रधान समाज इसे क्यों कर बर्दाश्त करे। चांद बीबी को किसी मंत्री को राज्य का संरक्षक नियुक्त करना ही पड़ा, परंतु दुर्भाग्य से रक्षक ही भक्षक निकले। बीजापुर का पहला संरक्षक था कामिल खां। कामिल खां ने विद्रोह का झंडा ऊंचा किया तो चांद बीबी ने किश्वर खां को संरक्षक बनाया। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। किश्वर खां के ऐसे पर निकले कि उसने चांद बीबी को सतारा के किले में बंदी बनाकर ही चैन की सांस ली। बीजापुर की जनता इस अपमान को न सह सकी। उसने किश्वर खां पर हमला बोल दिया और उसे ईंट पत्थर मार मार कर यमलोक पहुंचा दिया। इससे अगले संरक्षकों की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि चांद बीबी पर हाथ डालना आसान नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि इब्राहिम के वयस्क होने तक बीजापुर की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आई। चांद बीबी 1895 तक बीजापुर में रहीं। जब इब्राहिम वयस्क हो गया और उसने शासन अपने हाथ में ले लिया, तब वह अहमदनगर चली आईं। चांद बीबी अगर चाहती तो अपना वैधव्य बीजापुर में ही गुजार देती, परंतु एक तो बीजापुर में उसका काम पूरा हो चुका था, दूसरे अहमदनगर में जो उथल पुथल शुरू हुई तो उसने थमने का नाम नहीं लिया। इसी बीच यानी 1564 से 1595 तक वहां 6 सुल्तानों की ताजपोशी हो चुकी थी। जब कुचक्रियों ने एक बनावटी दावेदार को गद्दी पर बैठाया, तब लोगों ने विद्रोह किया और चांद बीबी से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। चांद बीबी ने ठीक समय पर हस्तक्षेप कर स्थिति संभाल ली और असली दावेदार बहादुर निजाम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। इससे कुछ देर के लिए अहमदनगर का राजनैतिक भूकंप शांत हो गया, परंतु यह जाने वाले एक बड़े भूकंप से पहले की शांति ही सिद्ध हुई। बात यह हुई कि चांद बीबी के अहमदनगर आ जाने से कुचक्रियों की चाल सफल न हुई तो उन्होंने मुगल सम्राट अकबर को अहमदनगर पर अधिकार कर लेने की सलाह दी। ऐसा प्रस्ताव सुनकर अकबर की तो मानो बांछे ही खिल गईं। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मुगलों को दक्षिण में पैर पसारने का इससे बढ़िया मौका भला कब मिलता। उसने अपने बेटे मुराद को, जो उस समय गुजरात में था, तुरंत अहमदनगर की ओर कूच करने का हुक्म दिया। मुगलों के आक्रमण का समाचार सुनकर चांद बीबी चकित रह गईं। उसने तो मुगलों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, परंतु वह जानती थी कि धन और धरती के लोभियों की भूख का अंत नहीं। उसने मुगलों का सामना करने का निश्चय कर लिया। वह अपने पिता के राज्य और वंश की रक्षा के लिए कमर कसकर तैयार हो गईं। मुगलों ने चुपके चुपके अहमदनगर के किले के नीचे सुरंगें बना ली ताकि उनमें बारूद भरकर किले की दीवारों को उड़ाया जा सके।
चांद बीबी को पता लगा तो उसने रातों रात सुरंगों को भरवा दिया। केवल एक सुरंग रह गई जिसमें बारूद भरकर आग लगा दी गई। इससे किले की दीवार का कुछ हिस्सा टूट गया। यह देख अहमदनगर के सैनिक घबरा गए। बाजी हाथ से निकलती देख चांद बीबी स्वयं उनके बीच पहुंच गईं। सैनिक वेश में घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार ले अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाती हुई चांद बीबी साक्षात रण चंडी लग रही थी। इससे सैनिकों का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने मुगलों को खदेड़ दिया। अंधेरा होने पर युद्ध बंद हुआ तो चांद बीबी ने सैकड़ों कारीगर बुलाकर किले की टूटी दीवार की मरम्मत करवा दी। सुबह मुगलों ने नई दीवार देखी तो हौसले पस्त हो गए। उन्होंने समझ लिया कि चांद बीबी के रहते अहमदनगर पर अधिकार करना हंसी खेल नहीं है। नादान शहजादे मुराद को खिसियाकर अहमदनगर में संधि करने का कड़वा घूंट पीना पड़ा। इस युद्ध में चांद बीबी विजयी जरूर रही, परंतु देशद्रोहियों ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया। 5 साल बाद सन 1600 में बहादुर निजाम शाह मर गया तो उत्तराधिकारी का निर्णय होने तक राज्य की बागडोर चांद बीबी ने स्वयं संभाल ली। अब सम्राट अकबर को पिछली हार के कलंक को धोने का मौका मिल गया। उसने स्वयं तुरंत अहमदनगर की ओर कूच कर दिया। अकबर ने मेवाड़ को जीता, राजस्थान के प्रायः सभी राजाओं को अपना दरबारी बनाया, गुजरात और खान देश पर अधिकार किया, बिहार और बंगाल पर अपना वर्चस्व स्थापित किया तो इससे उसकी कीर्ति बढ़ी। परंतु इतने प्रतापी सम्राट ने अहमदनगर की संरक्षिका चांद बीबी पर आक्रमण करके अपनी कीर्ति को धूल में मिला दिया। इससे पूर्व गोंडवाने की रानी दुर्गावती पर चढ़ाई कर वह कलंक का टीका अपने माथे पर लगा ही चुका था। सच ही राजनीति में मानवता के लिए स्थान न तब था और न अब है। अकबर के आने का समाचार सुन चांद बीबी बिल्कुल नहीं घबराई। उसने बड़े साहस के साथ सुसज्जित मुगल सेना का सामना किया, यही उसका कर्तव्य था। घर का भेदी लंका ढाए, चांद बीवी को मुगलों के सामने डटते देख देशद्रोहियों को अपने इरादों की सफलता में संदेह होने लगा। उनमें से एक ने विश्वासघात कर सेना को उकसा दिया कि अगर चांद बीबी जीत गई तो वह स्वयं राज्य का मालिक बन जाएगी। इससे सेना विद्रोह कर बैठी। उसने किले में घुसकर चांद बीबी की हत्या कर दी। अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया। चांद बीबी भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। उसकी तुलना उसकी समकालीन दुर्गावती से तथा परकालीन लक्ष्मीबाई से की जाती है। उसमें किसी राज्य की शासिका होने के सभी गुण थे। वह दयालु थी, सुंदर थी, कला प्रेमी थी और वीर थी। उसमें यदि कोई कमी थी तो यही थी कि वह नारी थी और पुरुष प्रधान समाज नारी के वर्चस्व को सहन नहीं कर पाता। वह कभी नहीं चाहता कि कोई नारी उस पर शासन करे। आज भी सिद्धांत रूप से नर नारी की समानता स्वीकार करने को सभ्य जगत व्यवहारिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाया है।